और मैं इस पूरे प्रकरण में एक महत्वपूर्ण हिस्सा बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल कानूनन रूप से और संवैधानिक रूप से जेल के अंदर से सरकार नहीं चला सकते। पूछिए क्यों, कैसे, क्यों? हाँ, जब सीएम होते हैं या आप मंत्री होते हैं तो किस चीज की शपथ लेते हैं? पद और गोपनीयता की, लेते हैं कि नहीं? गोपनीयता की शपथ के अनुसार जो मुख्यमंत्री फैसला करता है, कुछ फाइल्स ऐसे होते हैं जो गोपनीय रूप से सिर्फ मुख्यमंत्री को पता होता है या जहां पे उसने भेजा उसको पता होता है। सही बात है। अब जब ये जेल के अंदर रहेंगे तो जेल मैनुअल के अनुसार ये जो भी भेजेंगे वो पुलिस अधिकारी पहले जांच करेगा तब आगे फॉरवर्ड करेगा, ठीक है कि नहीं? अब जब पुलिस अधिकारी देख लिया तो गोपनीय कहां रहा? मान लिया मैं सुरक्षा से जुड़े किसी अत्यंत गंभीर विषय को मुख्यमंत्री रहते हुए मैं अपने किसी मातहत सरकारी, मान लिया कि मैं अपने विभाग के किसी सेक्रेटरी को या किसी को कुछ जानकारी देना चाहता हूं और तिहाड़ जेल का पता चला निरीक्षक पहले ही देख लिया, तो वो गोपनीय कहां है? तो गोपनीयता की शपथ का भंग होता है, इसलिए ये जेल के अंदर से कोई सरकार नहीं चला सकता। दूसरी बात, संविधान में लिखा हुआ है कि आप कार्यरत मुख्यमंत्री होते हैं, कार्यरत मतलब वर्किंग, जेल में रहते हुए आप कार्यरत नहीं है। जब आप जेल में हैं तो कार्यरत नहीं है बाहर, समझ रही हैं? तो इनके पास क्या ऑप्शन है? ना आप सरकार कैसे चलाएंगे फिर? ऑप्शन यही है, नहीं यही ऑप्शन है कि इनको इस्तीफा आज ना कल तो देना ही है। और एलजी ने साफ साफ कहा है कि जेल के अंदर सरकार नहीं चलेगी, चलती भी नहीं है। ये लालू यादव, हेमंत सोरेन वगैरह बेवकूफ थोड़ी ना थे कि उन्होंने इस्तीफा। और मुझे ऐसा लगता है पंकज जी, इस्तीफा देने के बाद असली लड़ाई शुरू होगी। ये जो शांत शांत मंद मंद अपनी बात रखते हुए आतिशी ने इशारों इशारों में बाकी तीन का नाम ले तो दिया, जैसे कि शुरुआत में आपने कहा कि तुम इसका नाम लो मैं उसका लूंगी, और ये पूरी एक चेन चल रही है कि हम भी दूसरे को फंसाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, असली कॉन्ट्रोवर्सी और बवाल तो तब होगा जब वो इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि फिर लड़ाई कहानी शुरू होती है यहां से। केजरीवाल, बिल्कुल अब कहानी शुरू होती है यहां से। अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर मिलना चाहते हैं संदीप पाठक से, वो सुनीता केजरीवाल से मिलना चाहते हैं, जो दर्शक नहीं जानते हैं क्या बैकग्राउंड है। आज की तारीख में वो अपने वफादार लोगों से मुलाकात करे, चाहे विभव हो, चाहे सुनीता केजरीवाल हो या संदीप पाठक हो, और एक अन्य व्यक्ति है जिसके बारे में नहीं बताऊंगा, वो इनका दोस्त है जो कि पॉलिटिक्स में नहीं है। अच्छा, उससे केजरीवाल मिलना चाहते हैं। केजरीवाल किससे नहीं मिलना चाहते? आतिशी से नहीं मिलना चाहते, सौरभ भारद्वाज से नहीं मिलना चाहते, दुर्गेश पाठक से, चड्डा से नहीं मिलना चाहते। मैंने ये कहानी का सिर्फ शुरुआत बताया, अब आगे देखिए। चड्डा का ऑक्यूपेशन क्या है? सीए, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। वो है कहां? अमेरिका में, लंदन। आरोप क्या लगते रहे? हाँ, माफ कीजिए, लंदन में, स्वाति मालीवाल अमेरिका। आरोप क्या लगते रहे हैं कि आम आदमी पार्टी को बाहर से फंडिंग होती है, चाहे फोर्स फाउंडेशन हो या कौन इंटरनेशनल है, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो। आरोप यही लगे हैं ना कि एमनेस्टी इंटरनेशनल या फोर्ड फाउंडेशन से इनको पैसे मिलते हैं। ये दोनों का मुख्यालय कहां? एक का इंग्लैंड, एक का अमेरिका। इनके दो आदमी वहां बैठे हुए ऑलरेडी कि नहीं? तो है ये कि एक सीए को भेजा है इंग्लैंड, और आरोप लग रहे हैं, मैं अभी भी नहीं बोल रहा हूं, सोशल मीडिया पर देखिए, मीडिया कई हलकों में देखिए, आरोप यह है कि चड्डा जो है वहां कुछ सेटल कर रहे हैं सारा, कि जो भी इनका जो ट्रेसेस है ना, सबूत, वहां से कनेक्शन काट रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को डर यह है कि कहीं सारा पैसा चड्डा के हाथ में ना चला जाए, और पंजाब विधानसभा चुनाव के बाद चड्डा को साइडलाइन किया गया था इसी वजह से। आपने देखा होगा जब पंजाब में विधानसभा चुनाव होने थे ना, तो राघव चड्डा वहां सब कुछ संभाल रहे थे, ऑल इन ऑल वही थे, लेकिन मुख्यमंत्री बना दिया भगवंत मान को और राघव चड्डा को बैकग्राउंड में डाल दिया। इसकी कहानी क्या है मुझे नहीं पता, परिणीति वाला एंगल है, शादी का कुछ एंगल है, ये नहीं मान, लेकिन इतना जानिए कि ये सीए होते हुए अभी इंग्लैंड में बैठे हुए है। डर यह है कि कहीं पैसे का सारा हेरफेर राघव चड्डा अपने हाथ में ना ले ले, और इसलिए आज की तारीख में राघव चड्डा अपोजिट गैंग में है। आतिशी के साथ इसलिए समीकरण बिगड़ा, आतिशी इनकी करीबी थी, जैसे मनीष सिसोदिया आके थे उनकी जगह पे आतिशी को बैठाया, लेकिन आतिशी आज सुनीता केजरीवाल को चैलेंज कर रही है, इसलिए आतिशी है अपोजिट गैंग। सौरभ भारद्वाज आतिशी के साथ है, उनका एंबिशन यह है कि सुनीता केजरीवाल और आतिशी के झगड़े में कहीं मेरा भी नंबर लग सकता है मुख्यमंत्री का,
तो केजरीवाल ने इनको भी कहा कि तू भी अपोजिट जाए। अरविंद केजरीवाल ने अपने साथ किसको रखा है? विभव को रखा है जो कि बिल्कुल वफादार, संदीप पाठक को रखा है बिल्कुल वफादार, सुनीता केजरीवाल को रखा है बिल्कुल वफादार, और एक अन्य दोस्त जो है समझ रहे आम आदमी पार्टी का। मैंने आईना पिक्चर दिखाने के कौशल क्या रहा है, जान बूझ के आतिशी ने सिर्फ चार नेताओं का नाम लिया जो कि इनके अपने गुट के हैं, मतलब कि एंटी केजरीवाल गुट, कि अब हमें जेल भेजा जाएगा, हम हैं भगत सिंह के वंशज और हम हैं क्रांतिकारी, बोल रहे थे ना कि हम भगत सिंह को मानने वाले हैं, जेल जाने से नहीं डरते। अरे इनको तो पता है जेल तो जाना ही है, केजरीवाल ने नाम ले लिया है तो आपसे पूछताछ होगी, अब किस बात की शहादत दिखा रही हैं? आप ही के सबसे बड़े नेता ने आपका नाम लिया है,